स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों। जबलपुर लोकायुक्त ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में पदस्थ प्यून को आज 1,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्यून परीक्षा विभाग में पदस्थ है, जिसका नाम राजेंद्र कुशवाहा है। राजेंद्र कर्मचारी संघ का उपाध्यक्ष है। बताया जा रहा है लोकायुक्त की कार्रवाई से परीक्षा विभाग के साथ पूरे विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया। लोकायुक्त ने बताया कि परीक्षा विभाग में भृत्य के पद पर पदस्थ राजेंद्र कुशवाहा को 1,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। बताया जाता है कि उक्त राशि राजेंद्र कुशवाहा ने डिग्री से संबंधी कार्यों को निपटाने के नाम पर मांगी थी। इसकी लिखित शिकायत यश नामक छात्र ने लोकायुक्त अधिकारियों से की थी। यश ने बताया कि वह अपनी बहन की डिग्री निकालने विश्वविद्यालय आया था, जहां उसकी पहचान भृत्य राजेंद्र कुशवाहा से हुई, जिन्हें ने डिग्री के नाम पर 2,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसकी शिकायत उन्होंने लोकायुक्त से की थी। गुरुवार को लोकायुक्त की टीम छात्र के माध्यम से पैसा लिया, उसी वक्त लोकायुक्त टीम ने कर्मी को पकड़ लिया। पुलिस की कार्रवाई को कुछ कर्मचारियों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। टीम ने तत्काल मौके से आरोपित और पीड़ित को साथ लेकर सर्किट हाउस क्रमांक 2 आ गई, जहां पर आगे की कार्रवाई की गई। मेरा नाम यश है, मैं RDU का छात्र हूँ। मेरी सिस्टर उदयपुर में शादी हुई, उनकी तो इन्हें BCom की डिग्री के लिए बुलाया जा रहा था। इन्हें मेरे को निकलवानी थी, उनको चाहिए थी, तो 131 रुपये लगते हैं ना टोटल ऑनलाइन फ़ीस। MP ऑनलाइन में 200 रुपये लगती है, तो ये ऑनलाइन फ़ीस सब भरवा दी इनने, मैंने खुद भरा हूँ ऑनलाइन में जाके। फिर इन ये 2,000 की मांग कर रहे थे, फिर 1,500 में माने, तो फिर तय हुआ। इसकी शिकायत कहाँ की थी आपने? लोकायुक्त कार्यालय। क्या नाम है आपका? यश। ठीक, पूरा नाम बताओ। ठीक तो नहीं है कोई? एक ही बार सब ले लो ना। एक ही साथ सब नहीं आ रहा है। अरे एक ही बार मैम, ये किसको ट्रैप किया है आपने, कितनी की रिश्वत थी? ये हम लोगों ने RDBB के भ्रत श्री राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा को ट्रैप किया है। इन्होंने 2,000 रुपए की मांग की थी, 2,000 रुपए की मांग की थी, किंतु आज ये 1,500 रुपए लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं। किस लिए मांगे गए थे, किससे मांगे? हमारे पास आवेदक यशविन पटेरिया ने आके शिकायत की थी कि इनकी बहन ने वर्ष 2017 में केसरवानी कॉलेज, जो कि RDBB से संबद्ध है, वहाँ से BCom किया था। इस BCom की डिग्री निकालने के लिए RDBB के भ्रत राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा इनसे 2,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे थे। किस डिपार्टमेंट में? RDBB में। किस विभाग में? RDBB में। एग्जाम विभाग में है ये, उसमें हमें चाहिए।